जय श्री जैसे राधे राधे कृष्ण। कृष्ण आप आप सभी सभी का का आपके आपके अपने अपने YouTube YouTube चैनल चैनल पे पे बहुत 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 स्वागत स्वागत है। है। आइए आइए आज आज आप आप सब सब जानेंगे जानेंगे अधिक अधिक मास मास वर्ष वर्ष 2023 2023 में में पड़ने पड़ने वाली वाली संकटनाशन संकटनाशन गणेश गणेश चतुर्थी चतुर्थी व्रत व्रत के के शुभ शुभ मुहूर्त मुहूर्त के के बारे बारे में में व्रत व्रत को को किस किस दिन दिन धारण धारण किया किया जाएगा, जाएगा, इस इस दिन दिन क्या क्या करना करना चाहिए, चाहिए, नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए, इस इस दिन दिन चंद्रोदय चंद्रोदय का का क्या क्या समय समय होगा, होगा, चंद्र चंद्र दर्शन दर्शन किस किस समय समय किया किया जाएगा, जाएगा, तो तो जानेंगे जानेंगे इन इन सबों सबों के के बारे बारे में। में। गणेश गणेश चतुर्थी चतुर्थी का का व्रत व्रत जो जो कि कि हर हर माह माह के के कृष्ण कृष्ण पक्ष पक्ष और और शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष की की चतुर्थी चतुर्थी तिथि तिथि के के दिन दिन गणेश गणेश चतुर्थी चतुर्थी का का व्रत व्रत किया किया जाता जाता है। है। कृष्ण कृष्ण पक्ष पक्ष में में पड़ने पड़ने वाली वाली चतुर्थी चतुर्थी को को संकष्टी संकष्टी चतुर्थी चतुर्थी और और शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष में में पड़ने पड़ने वाली वाली चतुर्थी चतुर्थी को को विनायक विनायक चतुर्थी चतुर्थी के के नाम नाम से से जाना जाना जाता जाता है। है। इस इस बार बार अधिक अधिक मास मास जो जो कि कि श्रावण श्रावण के के महीने महीने में में पड़ा पड़ा है, है, अधिक अधिक मास मास में में पड़ने पड़ने वाली वाली चतुर्थी चतुर्थी को को इसे इसे संकटनाशन संकटनाशन गणेश गणेश चतुर्थी चतुर्थी के के नाम नाम से से जाना जाना जाता जाता है। है। इस इस दिन दिन जो जो भी भी भक्त भक्त सच्ची सच्ची श्रद्धा श्रद्धा के के साथ साथ नियम नियम और और निष्ठा निष्ठा के के साथ साथ व्रत व्रत को को धारण धारण करते करते हैं, हैं, भगवान भगवान गणेश गणेश जी जी का का पूजन पूजन करते करते हैं, हैं, उनके उनके सभी सभी प्रकार प्रकार के के विघ्न विघ्न और और बाधाएं बाधाएं दूर दूर हो हो जाती जाती है, है, तथा तथा यह यह शत्रुओं शत्रुओं पर पर विजय विजय को को प्रदान प्रदान करने करने वाली, वाली, समस्त समस्त प्रकार प्रकार के के सुख सुख समृद्धि समृद्धि को को प्रदान प्रदान करने करने वाली, वाली, तथा तथा सभी सभी प्रकार प्रकार के के दुख दुख और और कष्टों कष्टों को को दूर दूर करने करने वाली, वाली, यह यह भगवान भगवान गणेश गणेश जी जी का का प्रिय प्रिय व्रत व्रत है। है। जो जो भी भी संकष्टी संकष्टी चतुर्थी चतुर्थी का का व्रत व्रत करते करते हैं, हैं, उन्हें उन्हें चाहिए चाहिए कि कि चतुर्थी चतुर्थी तिथि तिथि के के दिन दिन सुबह सुबह ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त मुहूर्त में में उठ उठ करके करके नित्य नित्य क्रियाओं क्रियाओं से से निवृत्त निवृत्त हो हो करके करके गंगा गंगा नदी नदी में में या या घर घर के के नहाने नहाने के के पानी पानी में में ही ही थोड़ा थोड़ा सा सा गंगा गंगा जल जल मिला मिला करके करके स्नान स्नान करना करना चाहिए, चाहिए, शुद्ध शुद्ध वस्त्र वस्त्र धारण धारण करना करना चाहिए। चाहिए। और और खास खास करके करके अधिक अधिक मास मास कृष्ण कृष्ण पक्ष पक्ष की की संकष्टी संकष्टी चतुर्थी चतुर्थी के के दिन दिन विशेष विशेष करके करके इस इस व्रत व्रत को को निराहार निराहार रखना रखना चाहिए। चाहिए। इस इस व्रत व्रत में में अन्न अन्न और और जल जल दोनों दोनों का का ही ही त्याग त्याग करना करना चाहिए। चाहिए। अगर अगर आपके आपके पास पास सामर्थ्य सामर्थ्य ना ना हो, हो, स्वास्थ्य स्वास्थ्य सही सही ना ना हो, हो, तो तो आप आप एक एक समय समय फलाहार फलाहार ग्रहण ग्रहण करें, करें, लेकिन लेकिन जहाँ जहाँ तक तक हो हो सके सके इस इस व्रत व्रत में में अन्न अन्न और और जल जल दोनों दोनों का का त्याग त्याग करके करके व्रत व्रत को को धारण धारण करना करना चाहिए। चाहिए। अस्वस्थ अस्वस्थ अवस्था अवस्था में में आप आप एक एक समय समय फलाहार फलाहार ग्रहण ग्रहण करें, करें, और और इस इस दिन दिन भगवान भगवान गणेश गणेश जी जी का का साथ साथ में में चौथ चौथ माता माता यानी यानी कि कि दुर्गा दुर्गा माता माता का का पूजन पूजन करें, करें, और और इस इस व्रत व्रत को को जो जो कि कि चंद्रोदय चंद्रोदय व्यापिनी व्यापिनी ली ली जाती जाती है, है, इस इस व्रत व्रत में में विशेष विशेष प्रकार प्रकार से से चंद्र चंद्र दर्शन दर्शन का का चंद्रमा चंद्रमा को को अर्घ्य अर्घ्य देने देने का का विशेष विशेष प्रकार प्रकार से से महत्व महत्व माना माना गया गया है। है। रात्रि रात्रि में में चंद्रोदय चंद्रोदय होने होने पर पर चंद्र चंद्र देवता देवता को को कच्चे कच्चे दूध दूध का का जल जल का का अर्घ्य अर्घ्य दे दे करके करके अक्षत अक्षत चंदन चंदन पुष्प पुष्प धूप धूप दीप दीप आदि आदि से से पूजन पूजन करने करने के के बाद बाद यह यह व्रत व्रत पूर्ण पूर्ण माना माना जाता जाता है। है। इसके इसके बाद बाद आप आप मीठा मीठा भोजन भोजन ग्रहण ग्रहण कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो तो आइए आइए जानते जानते हैं हैं अधिक अधिक मास मास संकटनाशन संकटनाशन गणेश गणेश चतुर्थी चतुर्थी व्रत व्रत के के शुभ शुभ मुहूर्त मुहूर्त के के बारे बारे में। में। अधिक अधिक मास मास में में चतुर्थी चतुर्थी तिथि तिथि प्रारंभ प्रारंभ समय समय 4 अगस्त 2023 अगस्त दिन दिन शुक्रवार शुक्रवार दोपहर दोपहर 12 बजकर 47 मिनट, 12 बजकर 47 मिनट, और और चतुर्थी चतुर्थी तिथि तिथि की की जो जो समाप्ति समाप्ति होगी होगी वह वह 5 अगस्त 2023 5 अगस्त 2023 दिन दिन शनिवार शनिवार को को सुबह सुबह 9 बजकर 42 मिनट 9 बजकर 42 मिनट पे। पे। तो तो हमें हमें चंद्रोदय चंद्रोदय व्यापिनी व्यापिनी के के अनुसार अनुसार जो जो समय समय प्राप्त प्राप्त हो हो रहा रहा है है संकष्टी संकष्टी चतुर्थी चतुर्थी व्रत व्रत के के लिए, लिए, वह वह समय समय 4 अगस्त 2023 4 अगस्त 2023 दिन दिन शुक्रवार शुक्रवार को को प्राप्त प्राप्त हो हो रहा रहा है। है। तो तो सभी सभी इस इस दिन दिन व्रत व्रत को को धारण धारण करेंगे। करेंगे। इस इस दिन दिन सूर्योदय सूर्योदय का का जो जो समय समय है, है, वह वह समय समय 4 अगस्त4 अगस्त को को सुबह सुबह 5 बजकर 26 मिनट मिनट और और सूर्यास्त सूर्यास्त शाम शाम 6 बजकर 42 मिनट। बजकर 42 मिनट। चंद्रोदय चंद्रोदय का का समय समय होगा, होगा, चंद्र चंद्र दर्शन दर्शन का का जो जो समय समय है, है, वह वह समय समय रात्रि रात्रि 8 बजकर 55 मिनट 8 बजकर 55 मिनट चंद्र चंद्र दर्शन दर्शन का का समय समय होगा। होगा। इसके इसके बाद बाद आप आप चंद्र चंद्र देवता देवता को को अर्घ्य अर्घ्य प्रदान प्रदान करके करके व्रत व्रत को को पूर्ण पूर्ण कर कर सकते सकते हैं। हैं। राहु राहु काल काल का का जो जो समय समय होगा होगा चतुर्थी चतुर्थी तिथि तिथि के के दिन, दिन, वह वह समय समय सुबह सुबह 10 बजकर 24 मिनट से से दोपहर दोपहर 12 बजकर 4 मिनट बारह तक बजकर चार राहु मिनट तक काल राहु का काल का समय समय होगा। होगा। राहु राहु काल काल समय समय के के दौरान दौरान कोई कोई भी भी शुभ शुभ कार्य कार्य या या नया नया कार्य कार्य नहीं नहीं करना करना चाहिए, चाहिए, यह यह लाभकारी लाभकारी नहीं नहीं होता होता है, है, इस इस बात बात का का ध्यान ध्यान रखें। रखें। नक्षत्र नक्षत्र जो जो कि कि शतभिषा शतभिषा नक्षत्र नक्षत्र होगा, होगा, सुबह सुबह 7 बजकर 8 मिनट बजकर तक, तक, उसके उसके बाद बाद पूर्वा पूर्वा भाद्रपद भाद्रपद नक्षत्र। नक्षत्र। योग योग जो जो कि कि शोभन शोभन योग योग सुबह सुबह 6 बजकर 14 मिनट बजकर 14 तक मिनट तक होगा, होगा, उसके उसके बाद बाद अतिगंड अतिगंड योग योग
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।